वेलकम माई डियर स्टूडेंट्स। बेटा अज तुसी टर्म वन का क्लास टेंथ का टर्म वन का ही जिहड़ा एग्जाम दिता है मैथ का, इस वीडियो दे विच बेटा आपां सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ए ते बी सैट दोनों दे विच सेम ही क्वेश्चन सी, सिर्फ नंबरिंग का फर्क सी। ठीक है जी, तो ध्यान नाल देखो बेटा, तो अपने क्वेश्चंस नू देखो तुहाडे किन्ने सही होए ने, तो जिहड़ा गलत होया वह क्यों गलत होया। ठीक है जी, शुरू करते हैं बेटा। आप एक संख्या नू जदो 61 नाल वंडिया जावे तो 27 भाग फल आता है तो 32 बाकी बचता है। संख्या दसो। अ नंबर वैन डिवाइडेड बाय 61 गिवस 27 कोशेंट एंड 32 एज रिमेंडर द नंबर इज। बेटा आपां नू पता है जदों किसी नंबर नू आपां डिवाइड करते हैं तो उहदे विच जिन्ना आंसर आता है मल्टीप्लाई बाय जिहदे नाल आपां भाग कर रहे हैं प्लस की हुंदा है बाकी। तो इतने अपने को आजूगा नंबर जो इन सॉल्व करांगे। 61 नू 27 नाल जो बच्चे आप गुणा करांगे ये आजूगा 1647 प्लस 32 जो बाकी नू जोड़ांगे ये आ जाएगा 1679 जिहड़ी कि है ऑप्शन सी। क्लीयर है बेटा। सैकेंड क्वेश्चन 65 अते 117 का एच सी एफ। बेटे दो अपने को संख्यावां दित्तियां हुई हैं 65 ते 117। इन्हां दा कहिंदे जिहड़ा एच सी एफ है उहनूं इस रूप च लिखिया जा सकदा, मतलब जो ये आंसर है ये किहदे इक्वल है एच सी एफ दे। तां पहलां 65 ते 117 दा एच सी एफ फाइंड करांगे। ठीक है जी, 65 65 दे की टोटे बणनगे, गुणनखंड की बणनगे। देखो पहलां इह 5 ते गया 13, फिर इह 13 ते गया। ओके 117 तां पहलां इह 3 ते जा रहा है, फिर 3 ते जा रहा है, फिर 13 ते जाएगा। ठीक है जी, तो की सांझा आ रहा है इन दे विच 13। इहदा मतलब एच सी एफ किन्ना है अपने कोले 13। ठीक है, तो इहनू सॉल्व कर लो, बराबर 13 प्लस 117 हो जाएगा 65 एम इक्वल टू, जो तो 117 च 13 जोड़े 130 ते एम किन्ना आ गया 130 बटे 65। 65 दे पहाड़े ते बेटा 130 कित्थे आउंदा है 2 ते, तो एम की वैल्यू किन्नी आ गई बच्चे अपने कोले 2 जिहड़ी के है ऑप्शन बी। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन किसे परिमेय संख्या का जिहड़ा दशमलव रूप है कहिंदे शांत हुंदा है जदों बी दे गुणनखंड किस प्रकार दे हुंदे ने। अ रैशनल नंबर ए ओवर बी हैज़ ए टर्मीनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बी इज़ ऑफ। बेटा ये थोड़ा जिहा तुहानू कन्फ्यूज करन लई क्वेश्चन पाया गया सी, ए तुसी किद्दां समझना सी कि बी की है हर। हमेशा आपां क्लास च आई बोलदे आ ना कि हर दे गुणनखंड ये होने चाहिए ने, हर दे गुणनखंड ये होने चाहिए ने, तो इत्थे हर नू ही उहने बी दस्सिया सी। तो हर दे गुणनखंड किस तरह के होने चाहिए ने, 2 की पावर पी 5 की पावर क्यू। आपां हमेशा इदां लिखते हुंने आ 2 की पावर एम 5 की पावर एन। तो बेटा उत्थे मतलब सिर्फ ये हुंदा है कि जिहड़े बेस ने वो 2 ते 5 होने चाहिए ने, मतलब प्राइम फैक्टर 2 ते 5 ही होने चाहिए ने, पावर उन्हां दी कोई मर्जी होवे। ठीक है, भी होर कोई प्राइम फैक्टर नहीं आना चाहिए। तो उहदे अकॉर्डिंग अपना किहड़ा आंसर सही आ रहा सी, थर्ड ऑप्शन। क्लीयर है बेटा। नैक्सट फोर्थ क्वेश्चन सी पाई का दशमलव विस्तार किस तरह का। एज़ वी ऑल नो बेटा कि पाई की है, पाई जिहड़ी है ना अपने आप नूं इहदा दशमलव विस्तार दोहरांदा है ते ना ही कदे खत्म हुंदा है, तो यह किस तरह का होएगा, अशांत गैर आवर्ती, ऑप्शन सी। नैक्सट हैगा एक आपां नूं रकम दित्ती है 7/20×25, तो इन्हें पूछिया कि यह रैशनल नंबर का दशमलव प्रसार किस तरह का होएगा। तो बेटा देखो 7/20 हुण बी दे आपां की फैक्टर्स बनावांगे, 5×2×2 5×10×20 ठीक है, 25 दे की बनाओगे 5×5, तो इत्थे 7 दे ओवर की आ रहा है 5 दी क्यूब ते 2 दी स्केयर। तो हमेशा जिहड़े प्राइम फैक्टर जे 5 ते 2 रहिंदे ने तो जिहड़ा हैगा अपने कोले शांत दशमलव हुंदा। ठीक है, तां ही उहने इहनूं की लिखिया परिमेय संख्या। तो किन्ने दशमलव स्थान बाद खत्म होएगा, वड्डी पावर किहड़ी है 3, तो किन्ने स्थान बाद खत्म होएगा 3 स्थानां बाद। ठीक है जी, समझ आ गया। नैक्सट क्वेश्चन के दा मुल की है जिस दे लई माइनस दा 4 बहुपद दा 0 है। वैल्यू ऑफ के फॉर विच -4 इज़ अ 0 ऑफ द पॉलीनोमियल।
जे बेटा माइनस चार इहदा एक आंसर है, इहदी एक जीरो है, सल्यूशन है, तो आपां इहदे विच माइनस फोर नू पुट करना है किथे, जिथे जिथे एक्स लिखिया होया, तो इक्वल टू की लिखांगे जीरो, क्योंकि इहदा सल्यूशन है। माइनस दे चार दा स्केयर खोलांगे की आजूगा सोलह, माइनस नू माइनस नाल मल्टीप्लाई किया प्लस का चार, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो आपां इहनू खोल लो ब्रैकेट नू, इक्वल टू जीरो, माइनस का टू के। हुण देखो सोलह ते चार किन्ने हो गए बी, बी दे विचों तुसीं इह दो घटाओगे किन्ने हो जाणगे प्लस दे अठारह, माइनस दो के बराबर किन्ना हो गया माइनस का अठारह, माइनस माइनस कैंसल, के आजूगा अठारह बटे दो मतलब नौ। केड़ी ऑप्शन आ रही है बेटा? बी ऑप्शन। क्लीयर है जी? नैक्सट देखो, दो घाती बहुपद है तो उहदे सिफरां अते गुणांकां दे विच संबंध दसना है, तां कोफिशेंट जिहड़े दित्ते हो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशेंट्स वेयर अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। ठीक है, तो इन्हें किस तरह का रिलेशन पूछा? देखो सारिया च अल्फा प्लस बीटा हो रहा ना, इहदा मतलब ये की है बेटा? सिफरां दा जोड़, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला की हुंदा है? माइनस द बी ओवर ए। तो कि ऑप्शन आजूगी? डी ऑप्शन। क्लीयर है राजे? कि ऑप्शन आ रही है सत्तवें दी? डी। अठवां क्वेश्चन, हेठां दित्तियां विच्चों केड़ा ग्राफ दो घाती बहुपद का नहीं है? तो बेटा तुहानू पता है जिहड़ी दो घाती बहुपद है क्वाड्रैटिक पोलीनोमियल है उहदे वध तो वध किन्नियां जीरोज़ हो सकदियां ने? दो। किन्ने आंसर हो सकते ने? दो। तो ये सारिया च लभो कि ऑप्शन के आंसर दो तो वध ने। देखो फस्ट वाले तो कोई आंसर ही नहीं है, एक्स एक्सिस नू टच ही नहीं कर रही, दूजे च एक थां ते टच कर रही है, तीजे च दो थां ते टच कर रही है, चौथे च यह तीन थां ते टच कर रही है, तो ये तीन जीरोज़ ने, तो तीन जीरोज़ वाला बेटा दो घाती बहुपद का ग्राफ नहीं हो सकता। क्लीयर हो गया जी? नैक्सट नैक्सट क्वेश्चन है बेटा, दो घाती बहुपद की होगी जिसके सिफरां का जोड़ अते गुणा क्रमवार जीरो अते पांच हैं? क्वाड्रेटिक पोलीनोमियल हूज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ आर जीरो एंड फाइव। किवें लिखते हुए बेटा? आपां एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो एक्स स्केयर माइनस एस मतलब जोड़, जोड़ किन्ना दिता हुआ है? जीरो। गुणा किन्नी दिती हुई है? पांच। तो ये टर्म तो खत्म ही होगी, जीरो ना मल्टीप्लाई हो गया, तो अपना आंसर आजूगा एक्स स्केयर प्लस फाइव, जिहड़ा कि है ऑप्शन बी। ठीक है जी? नैक्सट क्वेश्चन है, सिफर किहड़े हन, वट आर द विच आर द जीरोज़? तो अपने कोल जिहड़ा बहुपद है एक्स स्केयर प्लस तीन एक्स माइनस दस, इस दे फैक्टर बनाओ, फर्स्ट नू थर्ड लास्ट नाल मल्टीप्लाई करांगे दस, दस दे टोटे की बनणगे? पांच ते दो। हाँ जी, पांच चों दो घटा के तीन बन जांदा, तो आप सेंटर वाली रकम दे टोटे बना ले, पांच माइनस दो बार प्लस है, तो देखो पहले चो एक्स बार निकल गया, माइनस दो। ठीक है बेटा, ये बन गए दे फैक्टर्स एक्स माइनस टू ते एक्स प्लस फाइव। तो इतों जीरोज़ केड़ियाँ आनगियां? इनू उधर लैके जावांगे प्लस का टू हो जाएगा, प्लस दे फाइव नू लैके जावांगे माइनस का फाइव हो जाएगा। तो केड़ियाँ जीरोज़ आ गई? टू ते माइनस फाइव। केड़ी ऑप्शन आ रही है जी? बी ऑप्शन। क्लीयर है बेटा? नैक्सट क्वेश्चन, के दा मुल जिसके लिए समीकरण प्रणाली का एक विलक्षण हल होवे। हुण एक विलक्षण हल बच्चे कदों हुंदा है? जदों ए वन ओवर ए टू, बी वन ओवर बी टू, सी वन ओवर सी टू, ये अनुपात ने जिहड़े बराबर नहीं हुंदे तद एक विलक्षण हल हुंदा है। हुण ए वन किन्ना है? के। ए टू किन्ना है? सिक्स, नॉट इक्वल टू। बी वन किन्ना है? माइनस द वन। बी टू किन्ना है? माइनस द टू। माइनस माइनस कैंसल हो गए, के इज़ नॉट इक्वल टू छे नू आपां उधर मल्टीप्लाई कर लो, छे बटे दो कट के आ गया तीन, तो आंसर हैगा के इज़ नॉट इक्वल टू थ्री, विच इज़ ऑप्शन बी। क्लीयर जी? नैक्सट क्वेश्चन, रेखी समीकरण वाई माइनस पांच बराबर जीरो का आलेख किस तरह का होगा? ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो बेटा वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, इन आप वाई इक्वल टू फाइव लिखा,
आपां ग्राफ बनाने हैं एक्स डैश वाई वाई डैश, तो वाई इक्वल टू फाइव थ्री फोर फाइव इधर आऊगा, ये अपने कोल हो गया वाई इक्वल टू फाइव का ग्राफ। तो बेटा वाई इक्वल टू फाइव का ग्राफ जो तो आप बनाया तो किस तरह का लग रहा है, एक रेखा लग रहा है, एक लाइन है, तो केड़ी ऑप्शन सही होगी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जा ट्रिकी क्वेश्चन सी, ये की है बेटा 50 रुपए ने उन्हों पर किन्ने बच्चों च वंडना है, 150 बच्चों के बीच। रूपीज 50 इज डिस्ट्रीब्यूटिड अमंग 150 चिल्ड्रन, हरेक मुंडे नू 50 पैसे देने ने, हरेक कुड़ी नू 25 पैसे देने ने, 50 पैसा टू ईच बॉय 25 पैसा टू ईच गर्ल, दैन द नंबर ऑफ बॉयज इज, तो कहें मुंडिया की गिणती किन्नी है। तो इनू जे आप समीकरण हल करिए, देखो कुल बच्चे किन्ने ने 150, जे आप मुंडे मुंडिया की गिनती आप एक्स मानते हाँ तो कुड़िया की गिनती आप वाई मानते हाँ, तो फस्ट इक्वेशन तो यही बन गई एक्स प्लस वाई बराबर 150, क्योंकि वो 150 बच्चे ने। हुण आपां वंडने ने बेटा 50 रुपए, ठीक है, तो हरेक मुंडे नू किन्ने देने ने 50 पैसे, आपां एक्स मुंडे मन्ने ने ना तो इहनू 50 पैसे देने ने, मतलब बटे तो 100 लिखना पऊगा, रुपए बनाने पैणगे। वाई जिहड़ा कुड़ियां ने उहनां नू 25 पैसे देने ने, 25 बटे 100 वाई, तो इहनू थोड़ा जिहा सोल्व करना पऊगा आपां नू सैकिंड इक्वेशन नू, 50x प्लस 25y तो दोनों के बटे 100 है, इन्हें दूसरे पासे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाना, तो इतने आजूगा 5000। 50 सारी की सारी इक्वेशन चो 25 कॉमन आ रहा है, तो इतने कॉमन कढ़ लो, 25 दूना 50, 25 एकम 25, 25 दूना 50, ये दूजी समीकरण बन गई। देखो इन्नी गल समझ आ गई, हुण आपां इन्हां नूं सोल्व करना है, एक्स प्लस वाई बराबर 150, 2x प्लस वाई बराबर 200, ये दो समीकरण बन गई, निशानी बदलांगे वाई कैंसल हो जूगा, ठीक है जी। हुण एक्स दे विच्चों 2x घटाउणा है नैगेटिव साइन आ जूगा, 150 दे विच्चों 200 घटाउणा है तो माइनस दा 50 आ जूगा, माइनस नाल माइनस घट गया, एक्स किन्ना आ गया 50, तो एक्स आपां की मन्निया सी मुंडिया की गिणती, ठीक है। तो इत्थे सिर्फ तुसीं इह ध्यान देना सी कि इहनूं रुपयां विच बनाउणा सी, जे आपां रुपयां च नहीं बनाते तो अपना आंसर नहीं आऊगा, ठीक है, गलत आ जाएगा आंसर। क्लीयर हो गया बेटा, तो मुंडिया की गिणती किन्नी है 50, ऑप्शन नंबर डी। 14वां क्वेश्चन देखो, एक आपां नूं समीकरण लिख के दित्ती है तो उन्हां दीआं पावर जिहड़ियां ने एन है, तो इहने पुछिआ कि यह एक सीधी लाइन दर्शाऊगा कदों, रिप्रजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन इफ, हुण जे आपां एन वड्डा लैंदे आ एक तों, ठीक है, तो फिर यह किस तरह की समीकरण बनी, ये तो दो घात की समीकरण बनी दो चलां दे विच, नहीं जी इहदी लाइन नहीं बनेगी, ठीक है। लैस दैन वन लैन वन तो छोटा लें तो फिर तो जीरो जीरो, ये तो सिर्फ आही चीज़ रह जाएगी, ये भी नहीं बनूगा कुछ भी। जे आप लें एन इक्वल टू वन तो यह बन जूगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तुहाडे चैप्टर नंबर 3 वर्गियां बन गई ना, तो यदी जिहड़ी ग्राफ बनता हों बेटा वह सीधी लाइन बनता हों, तो यदा मतलब कि अपने को घात होनी चाहिए है एन इक्वल टू वन, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन ने विच पूछिया है, जेकर दो समीकरण दित्तियां हुई ने तो एक्स प्लस वाई का मुल की है, दैन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। बेटा आपां नूं ये इक्वेशन नूं सॉल्व करन लई ही कह रहा है, इक्वेशन नूं सॉल्व किवें करना है, एक दूसरे के नीचे लिखो इक्वेशन नूं, ठीक है जी। वाई जिहड़ी रकम है वह प्लस और माइनस ऑलरेडी हैगी है, ओपोजिट साइन दे विच है, कैंसल होगी, तीन विच तीन जोड़ांगे जी 6 बन गया, 13 च 5 जोड़ांगे 18 बन गया, तो एक्स किन्ना आजूगा 18 बटे 6 मतलब 3, ठीक है, एक्स का आंसर आ गया 3। हुण इहनू किसी भी एक समीकरण दे विच भर दो, मैं इहनू एक पहली समीकरण दे विच भरनी आ, 3 इत्थे आपां 3 भरता प्लस 2y बराबर 13, 3 है जी 9, तो 2y किन्ना आ गया 13 माइनस 9, 13 चो 9 घटावे जी 4, वाई कि आ गया 4 बटे 2। हुण अपने कोल एक्स की वैल्यू भी आ चुकी है, वाई की वैल्यू भी आ चुकी है, तो आप फाइंड करना है एक्स प्लस वाई कि होगा बेटा 3 ते 2 5, केड़ी ऑप्शन है, ए ऑप्शन। क्लीयर हो गया जी। नैक्सट क्वेश्चन,
बिंदु 2-3 की एक्स धुरे तो दूरी पता करो। तो इनू आप थोड़ा जा सॉल्व करते हैं फिगर बना के, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। हुण अपना जिहड़ा पॉइंट है 2-3 वो किधर होएगा? देखो इधर आप लिखांगे 1, 2, इधर है वाई -1, -2, -3, तो यह पॉइंट इत्थे होएगा 2-3। तो जेडे आपने एक्स धुरे तो दूरी कढ़नी है तो एक्स धुरे ते किहड़ा पॉइंट है ये 2, 0, क्योंकि उत्थे तो वाई है नहीं। हुण आपां इन्हां दोनों बिंदुओं के विच दूरी सूत्र लगा के दूरी कढ़ो। देखो 2-2 का स्केयर प्लस -3 -0 का स्केयर सारे का अंडर रूट, यही फॉर्मूला हुंदा है। हुण 2 चो 2 घटावांगे तो 0 हो गया, -3 -0 किन्ना हो गया -3 का स्केयर, 0 + 9, 9 का वर्गमूल किन्ना निकलता हुंदा जी 3, तो एक्स धुरे तो दूरी किन्नी होगी 3 यूनिट्स, इहदा ऑप्शन आऊगा बी। समझ आ गया बेटा तुहानू इह सारे? 16 तक आपां क्वेश्चन कर ले, अगे देखते हैं। हाँ जी, जेकर बिंदुआं 2A4 -2, 3B नूं जोड़न वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु मिड पॉइंट दिता हुआ 1, 2A+1, तो ए ते बी का मुल दसो। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सैगमेंट ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स इज दिस, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज। तो बेटा सौखा सी ये सवाल, किवें करना सी? पहला तुसी आप इन्हां दा मिड पॉइंट फाइंड करो, ठीक है। की मिड पॉइंट आएगा 2A-2/2, 4+3B/2। देखो जी ये मिड पॉइंट हो गया, पर आपां क्वेश्चन नहीं मिड पॉइंट देता भी ये मिड पॉइंट है, तो दोनों मिड पॉइंट्स की होने चाहिए ने इक्वल। हुण इन्हां दे पहला एक्स कोऑर्डिनेट्स में इक्वल करो, 2A-2/2 = 1, तो 2A-2/2, 2A = 2+2 किन्ना हो गया 4, 4/2 कट के आ गया अपने कोले 2, ठीक है। ए दी वैल्यू किन्नी आ गई जी 2। हुण देखो वाई वालियां नूं इक्वल कर लो, इहदे विच दूसरे पासे भी अपने कोले वेरीएबल है, 2 नाल जदों आपां इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे हो जूगा 4A+2। ए दी वैल्यू आपां फाइंड कर चुके हां, पर 2 = 4 × 8+2, 4+3B = 10, 3B = 10 - 4 मतलब ये आ गया 6, तो बी दी वैल्यू कितनी आ जूगी 6/3, 2, तो ए भी 2 आ रहा है तुहाडे कोले, बी भी 2 आ रहा है, तो इहदा आंसर की आऊगा A=2, B=2। क्लीयर है जी 17वें का? नैक्सट क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देश अंक पता करो जो बिंदुओं को जोड़न वाली रेखा नूं अनुपात 2:3 विच वंडता है, ठीक है जी। 18वां क्वेश्चन, किवें करते हुंदे आ बेटा आपां? -1, 7 इधर लिख लिया, दूसरा पॉइंट हैगा 4-3, रेशो हैगी है जी 2:3, किहड़ा मैथड लगाना है? सैक्शन फॉर्मूला। इन्हां नूं पॉइंट्स नूं नाम भी दे दो, इन्हूं पॉइंट नूं नाम दे दो, तो पी दे आपां कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। 2 नूं 4 नाल मल्टीप्लाई करांगे जी 8, 3 नूं -1 नाल मल्टीप्लाई करांगे -3, 2/2 हुंदा है दोनों अनुपातों का जोड़ यानी कि 5, 2 नूं -3 नाल गुणा कीती -6, 3 नूं 7 नाल गुणा कीती 21/5, तो यह आजूगा 5/5, 21 चो 6 गए 15/5, 5 × 3 = 15, 1, तो पी का आंसर किन्ना आजूगा जी 1/3, तो कौन ऑप्शन है जी अपने कोले? ए ऑप्शन। क्लीयर है बेटा ये क्वेश्चन सारिया नूं? हुण देखो नैक्सट, इन्हें क्या है, ए बी अते सी जिहड़े बिंदु दिते हुए ने त्रिभुज के शिखर ने, तो बी तो भुजा ए सी ते मध्यिका की लंबाई पता करो। थोड़ा जा ट्रिकी क्वेश्चन सी पर औखा नहीं कह सकते। देखो आप बी पॉइंट ही उपर लै लो, ए किन्ना पॉइंट दिता हुआ है -1, 3, बी पॉइंट दिता हुआ 1, -1, सी पॉइंट दिता हुआ 5, 1। इन्हें कहा है भी बी तो भुजा ए सी के उपर, एक मिनट, मध्यिका ड्रॉ करनी है मिड पॉइंट,
तो वो मध्यिका की लंबाई क्ढनी है। तो बेटा जी जो मध्यिका क्ढनी है तो डी की होगा ए सी का मध्य बिंदु। तो पहला सब तो थोनों मध्य बिंदु क्ढना पैना है। माइनस वन प्लस फाइव ओवर टू, थ्री प्लस वन ओवर टू, किमें इना ए ते सी दा आपने की क्ढना है उरे मध्य बिंदु। तो डी दे की कोऑर्डिनेट्स आ गए, पांच जो एक कटाए चार बटे दो, तीन ते एक चार बटे दो, ये तो अपने कोले दो दो पॉइंट आ गया, दो दो। हुण आपां फाइंड करना है बी ते डी दी दूरी। तो दूरी सूत्र लगाना पऊगा, पहले एक्स चों एक्स एक्स टू चों एक्स वन घटावे उहदा स्केयर, वाई टू चों वाई वन घटावे उहदा स्केयर। दो चों एक घटाया जी एक, एक का स्केयर एक, दो च एक जोड़िया तीन, तीन का स्केयर नौ, इहदा आंसर किन्ना आऊगा अंडर रूट का दस, इन्ने यूनिट्स इहदा आंसर आऊगा, इहदा हैगा सी ऑप्शन। क्लीयर है बेटा। ट्वेंटीएथ क्वेश्चन, एक चक्कर दे व्यास दे सिरियां ते बिंदुआं दे निर्देशांक दिते हुए ने, तो चक्कर दे केंद्र दे निर्देशांक की होणगे। देखो चक्कर है बेटा उहदा व्यास है, व्यास दे सिरियां दे जो निर्देशांक ने उह गिवन ने, ते आपां केंद्र दे निर्देशांक कढ़ने ने। तो बेटा केंद्र जो है वह सारे दे सारे व्यास का की हुंदा है मिड पॉइंट, तो यदा मतलब आप मिड पॉइंट फार्मूला ही लगाना है। एक्स एक्सिस का जोड़ बटे दो, वाई एक्सिस के जोड़े पॉइंट्स ने उन्हों का जोड़ बटे दो। हुण इत्थे मैं बोलिया जोड़ है पर पाया माइनस है क्योंकि ऑलरेडी जोड़ा निर्देशांक है वह माइनस का सी। दो चो दो घटावे बेटा कि आजगा जीरो, जीरो बटे दो, नौ प्लस द पाँच माइनस द चार बटे दो, इनू कटावे ओ दे कोऑर्डिनेट्स किन्ने आ गए बच्चे केंद्र दे जीरो दो, केड़ी ऑप्शन है ये डी ऑप्शन। ठीक है जी, ये सीगा बेटा तुहाडा पेपर दा पार्ट वन। बस हुणी मिलदे हां आपां पार्ट टू दे विच, जिहदे विच सॉल्व करांगे आपां 21 तो 40 क्वेश्चन। बाय बेटा।